अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद हिंदुओं ने एक नया उत्साह अर्जित किया है। बजरंग दल व हिंदू विश्व परिषद ने नगर के राम मंदिर में एकत्र होकर संकल्प लिया है कि वे सब गौ माता की रक्षा करेंगे और रोज गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाएंगे। परासिया में बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होने के बाद गौ माता को भी सुरक्षा करने का संकल्प लिया है। सभी ने राम मंदिर में एकत्र होकर नगर में गौ माता को रोटी व गुड़ खिलाने का भी संकल्प लिया और जितने भी पशु आवारा नगरों में घूम रहे हैं उन सभी मवेशियों को रोटी गुड़ खिलाने के कार्य की शुरुआत की और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और सभी हिंदुओं को एकत्र रहने की बात कही। यदि हिंदू एकत्र हो गए तो हिंदुओं की शक्ति एक होने से हिंदू धर्म पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता, इसीलिए बजरंग दल ने सभी हिंदुओं को एकत्र होकर रहने और गौ माता की सेवा करने की अपील की। उन्होंने 146 लड़ाइयां भगवान रामलला के मंदिर के लिए लड़ी है और उसमें प्रमुख लड़ाइयां हमारी 76 लड़ाइयां ऐसी हैं जिसमें हमारे 175-177 हमारे सनातनी धर्म प्रेम बंदियों की बलिदान हुआ है और कहते हैं कि सत्य हमेशा विजय होता है और परमात्मा की इस नियति से आज माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा श्री अयोध्या जी में भगवान रामलला की जन्म स्थली पर ही भव्य मंदिर निर्माण का यह कार्य आज संपूर्ण हुआ है। उस उपलक्ष्य में परासिया विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आज गौ माता को राम नाम की चुनरी उड़ाकर और रोटी और गुड़ का उनको भोजन कराकर कहते हैं गाय जो है वो सब संपूर्ण विश्व को तारने वाली है, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है गौ ब्राह्मण हितार्था है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।